देखिए, इंग्लिश में एक शब्द है आपका डिक्लेरेशन, DECLARATION, डिक्लेरेशन। तो इस वीडियो में डिक्लेरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं शब्द को। डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है समझिए। देखिए, डिक्लेयर से डिक्लेरेशन बना है, मतलब होता है डिक्लेरेशन का घोषणा, घोषणा पत्र, बयान, प्रख्यापन, उक्ति, प्रकाशन, प्रमाण, गवाही, कथन, ऐलान, इकरार, इकरारनामा, मतलब डिक्लेरेशन। इंग्लिश में डिक्लेरेशन को बोलते हैं अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन, डिक्री, नोटिस, मैनिफेस्टो, असर्शन, नोटिफिकेशन, एडवाइजरी एंड इट इज, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं डिक्लेरेशन के। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं, जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे कि द गवर्नमेंट हैज मेड अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन इट्स एनिमीज, मतलब सरकार ने अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। दूसरा एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट विल इशू अ फॉर्मल डिक्लेरेशन टुमारो, मतलब सरकार कल औपचारिक घोषणा जारी करेगी। ठीक है, तो आपने डिक्लेरेशन शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।